बलरामपुर जिले के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक डॉक्टर एसपी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तत्कालीन सपा सरकार के दौरान विधायक और मंत्री रहते हुए डॉक्टर एसपी यादव अपने बेटे के नाम पर खलिहान की जमीन को लीज के जरिए अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया था और उस समय पर हाई स्कूल तक चलने वाला एक गर्ल्स कॉलेज स्थापित करवाया था। शिकायत के बाद इस मामले में जाँच शुरू की गई तो मामला सही पाया गया। अब न केवल विद्यालय की जमीन को खलिहान में दर्ज किया गया है बल्कि विधायक के विद्यालय को गिराने की और उसकी मान्यता खत्म करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके साथ ही गैसड़ी से सपा विधायक डॉक्टर एसपी के खिलाफ अन्य मामलों में भी जांच चल रही है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार सपा विधायक पर क्या कार्यवाही करती है। हो सकता है आने वाले दिनों में सपा विधायक के इस स्कूल पर बुलडोजर चलता दिखाई दे। देखिए भाई साहब, ये शिकायत मैंने की है एसपी यादव के खिलाफ नहीं, एज ए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त सत्ताधारी तत्कालीन सत्ताधारी लोग ने एक सरकारी ज़मीन को, खलिहान की ज़मीन को विद्यालय प्रबंधन अथवा राकेश यादव उनके जो सुपुत्र हैं उनके नाम से इन्होंने वो करा लिया, क्या कहते हैं उसको, पट्टा करा लिया। पट्टा भी नहीं कराया, अब क्या कहते हैं उसको, एक एज ए लीज जो होता है उस टाइप से, जो कि सरासर बुनियादी रूप से गलत था और उसकी हमने शिकायत की थी माननीय जिलाधिकारी बलरामपुर के यहाँ, जिसके जांच कमेटी रिपोर्ट, जांच कमेटी गठित की गई। उस जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ये मामला मेरा सही पाया गया। तरह का शिकायत पत्र जो है वो तहसील में दिया गया है और उसके संबंध में संबंधित एसडीएम ने इसमें जाँच करी है और जाँच की रिपोर्ट उन्होंने जो है एडीएम साहब के यहाँ भेजी है। जो भी उसमें जांच रिपोर्ट में कोई भी अवैध निर्माण अगर पाया गया है तो उसके संबंध में संबंधित धाराओं के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करी जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।